हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में जस्ट डायल लिमिटेड को लेकर के एक बार फिर से। और स्टॉक में देखोगे तो आज इसमें एक अचानक से स्पाइक देखने को मिला। ये स्पाइक क्यों आया पता है? क्योंकि आज आए थे क्वार्टर टू के रिजल्ट, और क्वार्टर टू के रिजल्ट देखा जाए तो काफी अच्छे लग रहे थे, और इस वजह से सीधा स्टॉक ऊपर की तरफ लगभग 10% तक इसमें एकदम से मूव देखने को मिला। हालांकि लेटर हाफ में फिर प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल्स पे देखने को मिली, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन रहा है वो, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। 3% स्टॉक जंप वो क्लोजिंग के टाइम बता रहे हैं, क्वार्टर टू जूम 114% ईयर ऑन बेसिस पे देखोगे तो। अगर एक साल का अगर हम लोग इसमें देखते भी हैं तो डेफिनेटली 76% तक के रिटर्न देखने को मिले हैं, और ईयर से देखोगे तो 62% तक के बढ़िया रिटर्न हर बार काफी अच्छे देखे, और एक तो सिक्वेंस में स्टॉक बार बार से ट्रेड कर रहा है। देखने वाले हैं फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे, क्वार्टर टू के रिजल्ट देखेंगे, इन्वेस्टर्स का देखेंगे क्या चल रहा है, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे जस्ट डायल लिमिटेड को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, जिनको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कंपनी के अगर हम लोग फंडामेंटल देखें तो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 11,116 करोड़ का पहुंच गया है। स्टॉक का पी देखोगे तो 58, थोड़ा सा वैल्यूएशन जरूर देखने को हाई लगता है। डेट देखोगे कंपनी डेट फ्री कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग 74% की काफी अच्छी है। नेगेटिव पॉइंट यह है कि थोड़ी सी लगभग 14% थोड़ा सा प्लेज है, बाकी का अगर देखोगे इंट्रेंसिक वैल्यू 617 रुपए की है, स्टॉक डबल पे है तो डेफिनेटली थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। 245 करोड़ का कंपनी का फ्री कैश फ्लो है, डेट कंपनी डेट फ्री कंपनी है, फेस वैल्यू 10 रुपए की है, बहुत अच्छी चीज है। चलिए बस आरओसी आरओई काफी अच्छे नहीं है, क्योंकि अभी भी देखोगे तो ऑल टाइम हाई से स्टॉक अभी भी काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, वो आपको जब चार्ट पे बात करेंगे तब दिखाऊंगा। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखते हैं तो सेल्स देखोगे तो 285 करोड़ की देखने को मिल रही है, बाकी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 82 का निकल के आ रहा है। मार्जिन काफी अच्छे हैं, 30% के मार्जिन निकल के आए सेप्टेम्बर के क्वार्टर में, काफी वेल है। अदर इनकम 114 करोड़ की निकल के आई है, लेकिन अगर यहाँ से देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब एबिटा देखोगे तो काफी अच्छा लग रहा है, 49 था किससे बढ़कर के 82 हो गया है। ऑलमोस्ट देखोगे तो 80% के आसपास की ग्रोथ हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली देखने को लग रही है। बाकी अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखते हैं सेप्टेम्बर का, 72 करोड़ से बढ़कर के 154 करोड़ हो गया। डेफिनेटली इसमें एक मेजर रोल निभा रहा है जो कि अदर इनकम का पार्ट, 114 करोड़ की इस बार अदर इनकम देखने को हम लोगों को मिली है। तो क्वार्टर बेसिस पे देखोगे अगर और ईयर बेसिस पे देखोगे तो दोनों ही बेसिस पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि 25 करोड़ की सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, मार्जिन में ग्रोथ अच्छी खासी देखने को मिल रही है, तो इस वजह से रिजल्ट काफी अच्छे थे। और जिसका रिफ्लेक्ट हम लोगों को देखने को मिला कि अचानक से जो स्टॉक में अचानक से स्पाइक देखने को हम लोगों को मिला था, इस वजह से भी देखने को हम लोगों को मिल रहा है। बाकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें तो अभी तक पिछले जो 2024 तक हुई थी 363 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस बार देखने को मिल रहा है 503 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है टीटीएम में। बैलेंस शीट पर अगर नजर डालेंगे तो 4,233 करोड़ की रिजर्व देखने को मिल रहे हैं, 85 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, और अगर देखोगे तो डेट 93 करोड़ का, लगभग देखा जाए थोड़ा 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 कंपनी के पास डेट बढ़ता है, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के रिजर्व बढ़ रहे हैं कोई खास ज्यादा नहीं डेट देखने को नहीं मिलता है। बाकी अगर देखोगे तो FII का देखोगे तो 69 लगातार देखोगे तो पिछले सितंबर से देखोगे तो 4.88% हुआ करती थी FII की होल्डिंग, जो कि बढ़ के हो गई है 7.82, तो ऑलमोस्ट देखोगे तो लगभग लगभग 80% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। वही DII देखोगे तो DII बहुत ज्यादा एक्टिव, लगभग 9.36 थी तो घट के 8.38 हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा डायल्यूशन इनका देखने को नहीं मिल रहा है, तो अच्छी चीज है। बाकी अगर पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो हार्डली 9.65% के पब्लिक के पास, अब कोई ज्यादा पब्लिक के पास देखने को हम लोगों को नहीं मिलती है, पब्लिक के पास होल्डिंग ज्यादा खास है नहीं है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखोगे तो 76,713 लोग अभी इसमें शेयर होल्डर है। तो यहाँ पर हम लोगों ने फंडामेंटल देख लिए, क्वार्टर रिजल्ट देख लिए, इन्वेस्टर्स का देख लिया, बैलेंस शीट चेक कर ली, सेप्टेम्बर की बैलेंस शीट भी आ गई तो वो भी हम लोगों ने चेक कर ली है। तो चलिए अब चलते हैं कंपनी के टेक्निकल पे कि टेक्निकली स्टॉक कैसा देख रहे को लग रहा है। यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रही है कि स्टॉक जैसे यहाँ पर था एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में बाहर निकला, उसके बाद में ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हमको स्टॉप लॉस के पास में ही जाकर के जो हम लोगों ने स्टॉप लॉस यहाँ पे मार्क किया हुआ है स्टॉक का, हम लोगों ने कवर किया था कुछ यहाँ पर 1,009 पे आसपास चल रहा था, या
या 1,009 रुपए का स्टॉक चल रहा था। और उस टाइम पे तो देखिए स्टॉप लॉस हम लोगों ने मार्क किया था इसके नीचे का, तो स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट नीचे गया लेकिन क्लोजिंग नीचे निकल के नहीं आई। इवन इस ट्रेंड लाइन के भी नीचे क्लोजिंग निकल के स्टॉक गया जरूर लेकिन क्लोजिंग निकल के नहीं आई। उसके बाद देखोगे तो वापस से एक रिटेस्ट किया और वापस से फिर बूम दिखाया, और यहाँ पर भी एक बढ़िया रिजल्ट आए थे पिछले क्वार्टर में भी। उसके बाद स्टॉक गया फिर से वापस से रिटेस्टिंग की स्टॉक ने, और अब वापस से फ्रेश मूव देने के लिए तैयार है। आज भी देखोगे तो वॉल्यूम में पॉपअप है लेकिन क्लोजिंग निकल के नहीं आई है। हम लोगों को क्लोजिंग चाहिए कहाँ, इसके क्लोजिंग हम लोगों को इसके ऊपर देखने को चाहिए जो कि निकल के नहीं आया। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग निकल के आती है तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि आराम से 1600 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इसका मंथली चार्ट देखें तो वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को लगता है। ये देखिए ऑल टाइम हाई पे देखोगे तो यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को लगी है कि कप एंड हैंडल का थोड़ा सा ऐसा ही उठा देते हैं। ये देखिए कि अब ब्यूटीफुल सा चार्ट है। एक यहां पे बढ़िया सा अगर देखोगे तो ये कप बनाया और फिर ये इसका हैंडल बनाया, और इसके बाद में यहां पर एक बढ़िया सा हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को, ब्रेकआउट कैंडल देखने को मिली। उसके बाद में डाउन गया, 2 दिन कंसोलिडेशन चला, और फिर यहां से वॉल्यूम देखोगे वॉल्यूम के साथ में एक वॉल्यूम पॉपअप भी है, और साथ ही साथ देखोगे तो यहाँ पे पुशबैक काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। तो कप एंडल का ब्रेकआउट के साथ में काफी अच्छा निकल के आ रहा है। अब इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देखते हैं। यहाँ पर देखोगे तो 1800 रुपए के आसपास तक का टारगेट हम लोगों को यहाँ पे बड़े ही प्यार से देखने को लग रहा है कि बहुत ही जल्दी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा, इन द मिड टर्म में देखने को लग रहा है। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसको 1 सेकेंड इसको हटा देते हैं यहाँ से। ओके हट गई है, थोड़ा सा इसको भी हटा देते हैं और चार्ट को हम लोग लेके आते हैं वो वीकली में। वीकली में थोड़ा सा स्टॉप लॉस अच्छे से निकल के आ जाएगा। अगर देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पे निकल के आएगा 1011 रुपए के। अगर नीचे निकलता है स्टॉक तो वापस से वीकनेस रहने वाली है और फिर डेफिनेटली यहां से एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अभी मोमेंटम काफी बरकरार लग रहा है और देखने को लग रहा है कि ये टारगेट, जिस प्रकार का मार्केट का मूड माहौल है, बुल मार्केट चल रहा है, तो ये टारगेट हम लोग बड़ी आसानी से अचीव करते हुए देखने को मिलेंगे। बाकी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते अगले वीडियो में, तक के लिए धन्यवाद। और किसी भी निवेश से पहले उन्हें फाइनेंशियल वर्जी की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।